नमस्ते सत श्री अकाल आदाब केम शो। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होवोगे अपने घर परिवार के। स्वागत है तुहाडा मेरे चैनल दे विच। ते अज मैं लेके आई हाँ स्किन केयर दे नाल रिलेटेड वीडियो लेके आई हाँ तुहाडे सामने। अज मैं टोनर की वीडियो लेके आई हाँ। तो सब तो पहले मैं दसना चाहूँगी कि टोनर की हुंदा है। जदों आपां फेस वॉश करते हैं अपना, उस तो बाद जो पहली चीज़ आपां अपने फेस ते यूज़ करनी है वह टोनर है। टोनर दे की फायदे आपां नूं यूज़ करन दे? टोनर दे फायदे ये है कि आपां जदों टोनर दा यूज़ करते हैं तो अपने ओपन पोर्स की जिहड़ी प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाती है। अपनी स्किन का जो पीएच लेवल है वह अपना सही हो जाता है। अपनी स्किन टाइट दिखनी शुरू हो जाती है, तो यंगर लगती है, लुक यंगर हो जाती है अपनी जिहड़ी स्किन है ना। वो तो अज मैं तुहानू घर दे विच ही चार तरह के टोनर बनाने दसांगी कि आपां उन्हां नू कीवें बनावांगे ते किस किस टाइप की स्किन ते किस प्रॉब्लम दे यूज दे लई आपां उसनू यूज करांगे टोनर्स नू। हुण स्किन दा पीएच लेवल की हुंदा है? पीएच लेवल तो मतलब है कि साडी स्किन दे विच किन्नी नमी होनी चाहीदी है, किन्नी साडी स्किन ड्राई होनी चाहीदी है, किन्ना ऑयल साडी स्किन तो निकलना चाहीदा है ते किन्ना नहीं निकलना चाहीदा। इस सब नू कहिंदे आ पीएच लेवल। ये साडा जिहड़ा साडी स्किन दा है सानू मेनटेन करके रखना चाहीदा है पीएच लेवल नू। ते चलो करदे आ वीडियो स्टार्ट ते बनांदे आ टोनर्स। हाँ जी, इस टोनर के लिए आप ले रहे 5-6 चम्मच मेरे को चावल दे। इसनों इस तरह इस डोंगे दे विच पा के मैं चंगी तरह इसनों वॉश कर लाँगी चावलों नू। 2-3 पानिया दे विचों इसनों मैं कढ़ना है चावल नू। हाँ जी, इन चावलों नू मैं 3-4 बार पानी च धो चुकी हाँ। तो हुण इन्हां नू इन्ना क पानी, एक कटोरी दे लगभग ये पानी है मेरे को। इस पानी दे विच मैं 1/2 घंटे लिए इसनों ढक के रख दाँगी। हाँ जी, ये चावलों में मैनू करीबन 1/2 घंटा हो चुकिया है रखे नूं। इस तरह ये देखो थोड़े थोड़े फुलना स्टार्ट हो गए हैं ये। उस तो बाद ये मैं 1.5 लैमन ने मैं कट लिया, इस तरह छोटे पीसिस दे विच कटिया है लैमन नूं। मैं थोड़े इन्ने वड्डे साइज़ दे सी इस करके 1.5 लैमन लिया है मैं। तो इन्हां नूं भी मैं इस तरह इस दे विच मिक्स कर दाँगी, इस तरह चावलों दे विच मिक्स करके। तो हुण इन्हां नूं करीबन आपां 2.5 घंटे दे लई इस तरह ही ढक के आपां रख देना है। हाँ जी, ये चावल वाला जो आप बनाना है टोनर, रिंकल्स के लिए आप टोनर बनाना है। इन्हों हूँ घट्टो घट भी हो गए 2.5 घंटे हो गए, इस तरह ये चावल अपने फुल चुके हैं। तो इस तरह आपने हूँ जोड़ा नींबू का रस है बिल्कुल इस तरह ये कड लेना है, यदा मिक्स कर लेना हाथ के नाल इस सारा चंकी तरह। देखो पानी का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, जो चावल ने अपना सारा इस पानी के छोड़ देनी है सारी प्रॉपर्टीज़। इस तरह मैं हाथ दे नाल मसल के नींबू का रस भी ये मिक्स कर देना है। आ देखो इस तरह मैं हाथों के नाल इसनों मसलना शुरू कर दिता है। चावल भी तो नींबू भी इस तरह मैं मसल लेने हैं। ये देखो थोड़े तो सामने पानी का कलर हो गया बिल्कुल चेंज। 2.5 अगर 3 घंटे तुम रख दो इस बड़ा वधिया फायदेमंद है थोड़े लिए। हाँ जी, इस पानी हम इस तरह आप छान लाँगे, इस तरह एक बर्तन दे विच अपने कोल आ जाएगा सारा। ये अपने कोल आ गया चावल का पानी। हुण इस दे विच मैं ऐड करांगी नींबू का रस, 2 छोटे चम्मच नींबू का रस, 3 चम्मच इस दे विच मिक्स करने हैं मैं ग्रिसलिन दे। लो जी 3 चम्मच मैं मिक्स करते हैं ग्रिसलिन। हुण आपां इसनूं कर लांगे मिक्स। इसनूं भी एक खाली स्प्रे बोतल दे विच भर लांगे आपां। इस तरह एक स्प्रे बोतल ली है मैं, इस दे विच इस तरह इसनू कर लांगे फिल कर लांगे आपां। इसनू कर लांगे बंद इस तरह।
इस तरह स्प्रे कर लेंगे इस नूं। इस तरह जिन्नी बारी आप फ्रिज चो चक के इसकी स्प्रे करनी इस तरह शेक करांगे ते इस तरह आप स्प्रे कर लेंगे। ये भी अपना 15-20 दिन के लिए फ्रिज के आप इस स्टोर करके रख सकते हैं। हाँ जी, ये पहली तरह का टोनर अपना बन के हो गया तैयार। ये रिंकल्स के लिए मैं बनाया है, ये रिंकल्स दे विच मददगार है। चावल दे पानी तो इसनों मैं तैयार किया है ते इसनों तुसी एवें फ्रिज दे विच स्टोर करके रखना है ते सिंपल ही अपने फेस ते इस तरह तुसी इस दी स्प्रे कर लेनी है। तुसी अपने फेस ते तुसी स्प्रे कर सकते हो, टैप 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 कर सकते हो, जां स्प्रे करके तुसी एवें ही छोड़ सकते हो इसनों। हाँ जी, हुण आपां बनाउण जा रहे हैं ओपन पोर्स दे लई टोनर। उस दे लई इक पैन ले लेना है आपां ते इस तरह इसनों ऑन करके एक गिलास इस तरह का मैं पानी का पावांगी इस दे विच ते इस दे विच मैं मिक्स कर दांगी सौंफ दे 2 चम्मच मैं इस दे विच मिक्स कर दांगी ते इसनूं मैं चंगी तरह उबाला आन दवांगी ताकि जो सौंफ दे जो गुण है इहदे विच पानी दे विच ओह अबजॉर्ब हो जाए ते पानी दे विच ही चले जाए ओह गुण। इस तरह इसनूं पूरा उबलन दवांगे आपां, इस बार हिला देंगे ताकि सौंफ चंगी तरह पानी दे विच मिक्स हो जाए। हाँ जी, देखो सौंफ नूं उबाला आना हो गया स्टार्ट, इसने अपना कलर भी छोड़ना स्टार्ट कर दिता है। इसनूं आपां एक बार इस तरह मिक्स कर देंगे इस दे विच ते सौंफ दे होर भी बहुत सारे फायदे है। अगर मुँह तो स्मैल आती है साढ़े तो आप थोड़ी अगर सौंफ चबाते रहेंगे तो यह प्रॉब्लम दूर हो जाती है अपनी। ये गर्मी के ठंडी होंगी है खाने के लिए सौंफ तो ये जो अपना टोनर बन रहा है ओपन पोर्स की जी अपनी प्रॉब्लम होंगी है उसके लिए काफ़ी फायदेमंद होएगा। इसनों चंकी तरह आप उबाल लाँगे, उबाल के इसनों आप ठंडा करना है। हूँ इसनों उबाल आ गया चंकी तरह, हूँ मैं इसनों ठंडा होने के लिए छोड़ दाँगी। हाँ जी, ये सौंफ का पानी मेरे को आ चुका है, ठंडा हो चुका है। ये मैं हूँ ऐड कराँगी गुलाब जल, गुलाब जल ऐड करके इसनों मैं कर लाँगी चंगी तरह मिक्स। ये देखो इस तरह ये अपने को आ चुका है पानी ते इसनों इस तरह एक खाली स्प्रे बोटल दे विच मैं इसनों ऐड कर लाँगी। हाँ जी, ये अपना स्प्रे बोटल दे विच इसनों मैं कर लिता है ऐड। ये अपना ओपन पोर्स दे लई अपना बन के हो गया तैयार। इस तरह इसकी आप स्प्रे कर लेंगे। इस तरह इसकी स्प्रे आप अपने फेस नूं वॉश करके डेली इसकी स्प्रे करांगे तो अपनी ओपन पोर्स की जो अपनी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये तो ये भी 15-20 दिन के लिए आप इसनों स्टोर करके रख सकते हैं, फ्रिज के ठंडा करके यूज करो इसनों। हाँ जी, नैक्सट अपना ओपन पोर्स के लिए बन के हो गया टोनर तैयार। ये ओपन पोर्स के सानू मददगार होएगा। इसनों भी तुसी अपनी स्किन तो स्प्रे करो या टैप टैप करो, ऐदा ही छोड़ लो तो ओपन पोर्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मैं खुद इसनों यूज़ किया हुआ है ओपन पोर्स के लिए तो इसनों तुसी अपनी स्किन पर या टैप टैप कर लो या तुसी एवें ही स्प्रे करके इसनों छोड़ सकते हो। फ्रिज के रखो 15-20 दिन के लिए तुसी सेव करके रख सकते हो इसनों, तो बहुत फायदेमंद टोनर है ये। हाँ जी, एंटी एजिंग टोनर बना रही आप चाहिए ग्रीन टी का, इस तरह पाउच ले लो तुसी। ते ए मैं एक कटोरी दे विच पानी लिया साफ पानी, ए 5-6 चम्मच के करीब पानी है। इस दे विच आपां इस तरह रख देंगे इसनों, इसनों इस तरह आपां अलग रख देना है। उस तो बाद आपां एक खीरा लेना है ते इसनों आपां कस कर लेना है खीरे नूं, आपां खीरे का रस कढ़ना है आपां इस तरह आप कस कर लेना है खीरे नूं। हाँ जी, ये सारा मैं कस कर चुकी हूँ इस तरह खीरा। हूँ आप इस रस कढ़ लेंगे खीरे का इस तरह लेके,
इस तरह आपां खीरे का रस है जिहड़ा है किसी भी पुन्नी की मदद के नाल इस तरह छान लेना है आपां इसनू, इसका रस आपां नू मिल जाएगा खीरे का। हाँ जी ये देखो खीरे का रस है मैं कढ़ लिया इस तरह, ये करीबन 5-6 चम्मच के करीब मेरे को रस है। ये लैमन का रस भी मैं कढ़ लिया, नींबू का रस, तो ये ग्रीन टी देखो इसने भी अपना कलर इस तरह छोड़ दिता है। ग्रीन टी है जी अपनी ये डार्क सर्कल के लिए काफ़ी इफेक्टिव होएगा ये वाला टोनर अपना। तो जो खीरा है वह स्किन का पीएच लेवल ठीक करता है, तो अपनी जो स्किन है उसको टाइट करने के भी मदद करता है। हाँ जी एंटी एजिंग टोनर बनाने के लिए सब तो पहला जी आप ग्रीन टी इस तरह पानी के पाई सी, इसने अपना पूरा कलर छोड़ दिता है। ये इस तरह आप वाला पानी ले लेंगे, 6 चम्मच के करीब मेरे को वाला पानी है। उस तो बाद मैं लवागी खीरे का रस, ये भी 6 चम्मच है मेरे को। 2 चम्मच लवागी मैं नींबू के रस दे, ये मैं पहले ही कढ़ लिया सी नींबू का रस। और 5 चम्मच आप लेने हैं गुलाब जल दे। ये 5 चम्मच आप ले लिया गुलाब जल दे, इसनों आप अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इस तरह हाँ जी अपना एंटी एजिंग टोनर बन के हो गया है रेडी। हूँ आप इस तरह की एक स्प्रे बोटल लवेंगे खाली, तो इसनों इस दे विच आप फिल कर लेंगे। थोड़ा जा नीचे गिर गया, इस तरह इस बोतल नूं आपां कर लांगे बंद। ये अपना बन गया एंटी एजिंग टोनर बन गया है मेरे को तैयार है। तो इस तरह आपां इसकी स्प्रे करांगे, तुसी कॉटन लेके उसते इसका स्प्रे करके उसनूं टैप 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 भी कर सकते हो, जा फिर स्प्रे कर लो और इसनूं तुसी 15-20 दिन यूज़ कर सकते हो। फ्रिज दे विच तुसी रख के इसनूं 15-20 दिन दे लई आराम नाल यूज़ कर सकते हो, दोबारा फिर तो नवा बना लो। ये एंटी एजिंग है, स्किन का पीएच लेवल मेनटेन करन दे विच मदद करता है, स्किन नूं टाइट करेगा, डार्क सर्कल दे लई काफ़ी इफेक्टिव होगा ये टोनर। तुहाडा टोनर नंबर 1 अपना बन के हो गया रेडी। हाँ जी नैक्सट अपना एंटी एजिंग टोनर जिहड़ा है वह बन के हो गया रेडी। इसनों भी तुसी 15-20 दिन के लिए इसकी सैल्फ लाइफ है, तो इसनों तुसी स्टोर करके रखो फ्रिज दे विच, इसकी स्प्रे करो जां टैप 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 करो अपने फेस ते इसनों, तो ये भी 15-20 दिन के लिए तुहाडे लई बन के हो गया तैयार। ये एंटी एजिंग है, ये ग्रीन टी तो आपां बनाया है, खीरे का पानी है, इस दे विच रस है, खीरे का रस है, काफ़ी फायदेमंद है ये टोनर। हाँ जी ये टोनर बिल्कुल ईजी टोनर है, इसनों आप गुलाब जल लवेंगे तो इस तरह एक स्प्रे बोटल दे विच इसनों आप फिल कर लेंगे इस तरह। फिल हो गया साडा, तो इसनों कर देंगे आप बंद इस तरह इसकी स्प्रे कर लेंगे। इसनों तुसी मेकअप रिमूवर के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, मेकअप जो रिमूव करना होंगे है तो इसनों ठंडा करके आप एज ए टोनर भी इसनों यूज कर सकते हैं गुलाब जल में। नंबर 4 ते मैं एक बोतल दे विच गुलाब जल ले आए, कोई भी नॉर्मल स्किन दे वाले इसनों यूज कर सकते हैं गुलाब जल नूं। इसनों फ्रिज दे विच रखो ते एज ए टोनर मेकअप रिमूवर भी इसनों आपां यूज कर सकते हैं, मेकअप नूं हटाने दे लई भी आपां इसका यूज कर सकते हैं गुलाब जल का, ते उस तो बाद इसकी स्प्रे आपां अपने फेस ते कर सकते हैं मेकअप हटाने तो बाद। आफ्टर दैन आपां ने अपने टोनर तो अप्लाई करन तो बाद सब तो पहले आपां अपना फेस वॉश करना हुंदा है, नंबर 1 स्टेप है। नंबर 2 तो आप टोनर अप्लाई करना अपनी स्किन ते, तुसी जो भी टोनर अप्लाई करते हो अगर तुसी मार्केट तो खरीदते हो टोनर, तो
ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਟੋਨਰ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਐਲਕੋਹਲ ਬੇਸ ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਐਲਕੋਹਲ ਬੇਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਤੇ ਦਾਣੇ ਰੈਸ਼ਿਜ਼, ਸਕਿਨ ਰੈੱਡ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੋਨਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੋਨਰ ਦੱਸੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਟੋਨਰਸ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੋਨਰ ਮੇਰੇ ਬਣ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਰੈਡੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਬੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਬੈਲ ਆਈਕੋਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜੋ ਹੈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਟੋਨਰ ਅਪਲਾਈ, ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।